अजीम लोगों, आपके जज्बे को सलाम, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आपके अजम को सलाम, आपकी गैरत को सलाम। पर ये बेगैरत राना सनाउल्ला कहाँ से भेज दिया आपने? उसकी शैतानी चमगादड़ की तरह है। 7 मई को शेर अली ने इंटरव्यू दिया कि इसने इमरान खान कहता है कि 18 आदमी कत्ल किए। शेर अली ने 7 मई को इंटरव्यू दिया कि इसने 22 आदमी कत्ल किए। मैंने वो इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ को भेजी, DGISI को भेजी, DGMI को भेजी और उस पर FRI दी कि ये कातिल बदमाश वजीर दाखला नहीं आ सकता है। 15 शहादती है उस पर मंशियात फरोशी के, 15 शहादती हैं ANF में मंशियात फरोशी के। और मेरे भाइयों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसली माफिया करार दिया, उस चोर डाकू बेईमान इंसान शहबाज शरीफ को रात 12 बजे दरवाजे खोल के वजीर आजम बनाया गया, जिस पर सुबह फर्दे जुर्म लगनी थी उसको वजीर आजम बनाया गया, जिस पे सुबह फर्द जुर्म लगनी थी उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिस पर ANF में फर्द जुर्म लगनी थी उसको दाखला दिया गया। मैं मुख्तसर तकरीर करने वाला मुकर्रर हूं, मैं ईमानदारी से समझता हूं, शहबाज शरीफ तुम इमरान खान के खिलाफ बातें करते थे कि डीजल पर सब्सिडी दी गई है, तुम कहते हो आज इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए अब ये गौर से आखिरी मेरा ये सुनना मेरे बहनों भाइयों बेटों और खास तौर पर मेरे स्टेज के लोगों, जिस आदमी ने ये मास्टर प्लान बनाया अमेरिका में इमरान खान को उतारने का, वो बड़ा बेवकूफ था। जिसने पाकिस्तान में उससे उसका साथ दिया वो बड़ा नलायक और निकम्मा था। आज इमरान खान जमीन से आसमान पर चला गया है मकबूलियत। ये बदशक्ला उसको गिरफ्तार करेगा, किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं पाकिस्तान में निकलूंगा इमरान खान के लिए। इनके पास 3 ही रास्ते हैं, मुल्क बैठ गया है, $6 अरब 1 महीने में कम हो गए हैं, डॉलर 200 रुपए पे जा रहा है, बाकी मेंबर 20 करोड़ पे बिके। फैसलाबाद बिजनेसमैन का शहर है, फैसलाबाद को डॉलर का पता था इसलिए यहां का मेंबर 25 करोड़ रुपए पे बिका। मेंबर 25 करोड़ पे मिले बिका और ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं गया कोई भी। 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर दाखला हैं, 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर पेट्रोलियम हैं,
नवाज शरीफ अगर तुम में हिम्मत है तो आओ ना, पाकिस्तान पासपोर्ट है तुम्हारे पास। ये जिस जहाज में चढ़ेगा वो सवारियां उतर जाएंगी, जोर जोर जोर। और मेरे भाइयों, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान की अजीम अफवाज, आज भी चार शहादतें हुई हैं, मैं अजीम अफवाज के साथ हूं, मैं अजीम अफवाज को पाकिस्तान की इज्जत और गैरत समझता हूं, पर जो डाकू और चोर आ गए हैं इस मुल्क में, आखिरी बात कहने जा रहा हूं, एक मिनट खामोश रहो, एक ही हल है, एक ही हल है, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, इदारे मुदाखलत करें, सबको बैठाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, टेक्नोक्रेट वजीर आजम लाएं और सितंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान करवाएं। और अब आखिरी बात, मुझे रस्तों में डीजल मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मेरी 5 मिनट की तकरीर होती है, लोगों 3 बातें कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, कौम से खिताब करो और बताओ कि IMF के साथ जा रहे हो नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ, कौम को इलेक्शन की तारीख दो। शहबाज शरीफ, अगर तुम ये समझते हो कि इस मुल्क में ये सिसली माफिया चोर खानदान मुल्क चला सकता है तो ये भूल है, ये कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है। और अब पाक फौज से अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं, ये एटॉमिक ताकत है इस्लामी दुनिया की। हमारा मिसाइल इंडिया के आखिरी कोने में मार करता है। मैं पाक फौज से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वहां आ गया है जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी है, जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। मैं अजीम फौज को कहता हूं कि पाकिस्तान में जो साजिश हुई है इसके खिलाफ एक ही हल है। ये अमेरिका हमेशा गलत फैसले करता है, गलत फैसले करता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दी है। मैं पाक फौज को कहता हूं, हम अमन से रहेंगे, इस शैतानी चमगादड़ को छोड़ो। ये कहता है शेख रशीद को घर से निकाल के मारूंगा, तेरा बाप भी शेख रशीद को नहीं मार सकता। और मैं पाक फौज को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बचाना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है, आप अजीम लोग हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, निगरान हुकूमत बनाई जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए और सितंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान इलेक्शन से कम कोई बात नहीं मानेगा। नारे तकबीर, फैजलाबाद के लोगों आपने दिल जीत लिए, मैं आपका मशहूर हूं, आप अजीब लोग हैं। इन लोटों के साथ और इस काल मुए के साथ, शेरकानी चमगादड़ के साथ मुंह ना लगाना जिंदगी। पाकिस्तान, इमरान खान, और अब मुझसे अहद करो हाथ उठा के इमरान खान की काल पर इस्लामाबाद पहुंचोगे। आपने मेरा दिल जीत लिया, अल्लाह आपका अमीन। मेरे 6 मिनट हो गए हैं बस।